सर फाइलेरिया रोग क्या है? फाइलेरिया एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो टूलेक्स मच्छर काटने से होता है और जिसे हाथीपाँव के नाम से जाना जाता है। सर ये हाथीपाँव या तो आपके अंडकोश में, स्तन पे, दोनों पैर में या हाथ में भी कहीं पर हो सकता है। सर फाइलेरिया रोग के लिए हमारे जिले में क्या क्या गतिविधि किया जा रहा है? सर फाइलेरिया रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हमारे जिले में 10 से लेकर 28 फरवरी तक जो है सामूहिक दवा सेवन किया जा रहा है, जिसमें 10 से लेकर 15 फरवरी तक बूथ लेवल पे, बूथ लेवल कहने का मतलब ये है आंगनवाड़ी का सेंटर में आपके जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर ये दवाई खिलाई जाएगी। 16 से लेकर 24 फरवरी तक जो है वह घर घर जाकर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जो है दवाई खिलाई जाएगी, तथा 26 से लेकर 28 फरवरी तक मापअप राउंड होगा, जिसमें कि छूटे हुए लाभार्थियों को जो है फाइलेरिया की गोली खिलाई जाएगी। एवं एमडीए कार्नर का मतलब ये है कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला चिकित्सालय में जो है इस 10 से लेकर 28 फरवरी तक कार्नर बनाया गया है, इसमें उस वहाँ पे ये दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। सर दवा सेवन कैसे करना है और इसके हमें क्या लाभ मिल सकता है? दवा सेवन खाली पेट नहीं करना है, कुछ खाने के बाद ही फाइलेरिया की दवाई खानी चाहिए। और इस दवाई से जो है हम जो है हाथीपाँव नामक जो बीमारी से बच सकते हैं। ये दवाई साल में एक बार, इस तरह से हमको कुल 3 सालों तक जो है ये दवाई खाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये दवाई सभी को खाना चाहिए, एक्सेप्ट जो है 2 साल से नीचे के बच्चों, गर्भवती माताओं एवं कोई गंभीर रूप से बीमार हो उसे छोड़कर सभी को दवाई खिलाना जरूरी है, ताकि हम फाइलेरिया नामक संक्रामक बीमारी से जो है हमारा बचाव हो सके। धन्यवाद सर।